हाय गाइस, गुड मॉर्निंग आपको मेरा प्यार भरा जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं अभी इतना सारा बर्तन धोना है और बर्तन धो के स्कूल के लिए तैयार होना है, क्योंकि ऋषभ को स्कूल लेके जाना है। और ऋषभ लोगों का आज सोल्जर ड्रेस पहन के रिहर्सल होने वाला है और ऋषभ भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसके लिए सोल्जर वाला ड्रेस मंगवाया है ऋषभ के लिए, क्योंकि सोल्जर वाला ड्रेस पहन के ही डांस करेगा। और बेल्ट पहले में ही पहन लिया है, अभी नहाना होगा, है ना? नहाएंगे खाएंगे उसके बाद जाएंगे स्कूल, है ना? और ये छोटू सा कछुआ, और ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा सोल्जर। फिलहाल तो ये अभी घर का ही सोल्जर है, देश का सोल्जर नहीं है। जय हिंद। अभी सबको स्कूल पहुंचा दिए हैं और अभी हम आए हैं अपने क्लास, लेकिन मेरा क्लास का टाइम नहीं हुआ है तो इसलिए छत में आ गए हैं। यहाँ देख सकते हैं कितना खूबसूरत फूल सब लगा हुआ है गमला में। और मेरा क्लास खत्म होने के बाद ऋषभ को लेने के लिए आए हैं स्कूल, लेकिन कितना भीड़ है देख सकते हैं। बाबू देखो, इधर देखो ना, क्या मिला स्कूल में? और राखी कहाँ गया? दिखाओ राखी कहाँ है, दिखाओ। कौन बांधी राखी, दिखाओ कहाँ? खत्म हो गया है, इतना ही देखो ना। दिखाओ राखी कहाँ है, क्यों खोल दिया? देखो क्यों खोला। और आज ऋषभ लोग को स्कूल में खाने नहीं मिला, ऋषभ लोगों को आज स्कूल में खाने नहीं मिला टिफिन, इसलिए बेचारा को भूख लग रहा है तो रोड साइड में खड़े हो गए हैं और खिला रहे हैं ऋषभ को टिफिन, क्योंकि स्कूल में खाने नहीं दिया गया ऋषभ लोगों को और भूख भी लग रहा है, बोल रहा है ऋषभ। अभी स्कूल से घर पहुंच गए हैं और ऋषभ बोल रहा है कि हमको सोना है, तो इसलिए देख सकते हैं पंखा चला दिए हैं। और आज ऋषभ के स्कूल में फ्लैग डे और बंधन डे को सेलिब्रेट किया गया है। सोल्जर वाला ड्रेस पहन के जाना था तो इसलिए लेके गए थे। सबको स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा आराम कर लिए थे और अभी शाम का काम जो है वो करना होगा। खाना चढ़ा दिए हैं, झाड़ू भी कर दिए हैं और माँ खेत गई है तो उससे पहले सारा काम कर दे रहे हैं, ताकि माँ को खेत से आने के बाद कोई काम ना करना पड़े। कल बच्चे लोग और पेरेंट्स लोग को जाना है फ्लैग होस्टिंग में शामिल होने के लिए। तो इस तरह आज हम लोग का दिन गया और कल के लिए तैयारी करना होगा। तो सोच रहे हैं कल के लिए वाइट ड्रेस लेंगे और जो तिरंगा वाला दुपट्टा होता है वो लेंगे। और थोड़ा देर बाद जाते हैं दुकान, और पता नहीं हम लोग को इधर का दुकान में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा लगता है 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन में ऐसा ड्रेस पहनने। सोच रहे थे ड्रेस खरीदने जाएंगे, लेकिन पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बादल किया है और पानी आने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग बस यहीं तक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।